भीड़ के साथ लगते खेड़ मोहल्ले को बचाने के प्रयास में लगे हैं। खेड़ मोहल्ले के लोग माननीय हाई कोर्ट में यह सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वह खेड़ मोहल्ला अलग है और खेड़ अलग। प्रशासनिक गलती के चलते खेड़ मोहल्ले को खेड़ का ही हिस्सा दिखा दिया गया, जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही है और उन पे बेघर होने की तलवार लटक रही है। इसी सच्चाई का पता जानने के लिए आज चंडीगढ़ से एक टीम आई और ड्रोन की मदद से खेड़ व खेड़ के साथ लगते एरिया की पैमाइश की। इस मौके पर SDM भी मौजूद थे। खेड़ मोहल्ले के लोगों ने क्या कहा और SDM ने क्या कहा, देखिए। मेरा नाम दीपक फुटेला है जी। सर, ऐसे है जो 2012 का जो कंटेम्प्ट का प्रोसीडिंग चल रही है, वो कंटेम्प्ट इस 612 मीन खसरा के ऊपर थी। इसकी कंप्लेंस नहीं करने की वजह से हाई कोर्ट ने ये चलाई थी। इसमें 437 मकान थे, ये 35 एकड़ का जो थेड़ है वो तो खाली हो चुका है। अब जो 35 के अलावा जो 54 एकड़, ये 50 एकड़, 54 एकड़ जो कह रहे हैं वो थेड़ नहीं है, थेड़ मोहल्ला है, उसको खाली करवाने के लिए कह रहे थे जी। तो बार जो हाईकोर्ट की तारीख में जो थे, माननीय हाईकोर्ट ने हमें ना ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए बोला है लोकल अथॉरिटी को कि आप अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करें जो भी है आप। तो हमने वो ऑब्जेक्शन बना के माननीय DC साहब को दे दी थी 23 तारीख को, और उन्होंने आगे वो रिपोर्ट अपनी उसी हिसाब से भेजी है। 25 फरवरी को है जी हाई कोर्ट में तारीख है। Okay. हमारा कानूनी रूप से तो हमारा पक्ष बिल्कुल मजबूत है, कानूनी तरीके से तो हम बिल्कुल भी वो नहीं है। बाकी ये अभी हमारी सरकार से बिल्कुल मांग है कि नाजायज रूप से किसी भी तरह से लोगों को तंग नहीं किया जाए और कोई मकान खाली ना कराया जाए। हम लोग थेड़ पे नहीं रहते हैं, हम लोग समतल जगह पे रहते हैं, थेड़ मोहल्ला में रहते हैं। देखिए, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी आए हुए हैं और सर्वे ऑफ इंडिया से टीम आई हुई है, और साथ में हमारी जो टीम है यहाँ की, उनकी ड्यूटी लगाई है कि भी एक बार ड्रोन के माध्यम से यहाँ डिमार्केशन की जाए ताकि जो एग्जैक्ट जो हमें स्थिति है वो पता लग जाए। नहीं, किस तरह की नहीं, मैं इस बारे में तो ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, मैटर कोर्ट के अंदर पेंडिंग है।